मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। यह आपका 28 यानी कि 28वें नंबर का लेक्चर होगा मैथ का, जिसमें हम लोग आज फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। कल या परसों हमें प्लान बना रहे हैं कि आपका जो यूपी टेट का पहले पेपर है आपको इस तरह दिखा कर सामने उसको सॉल्व किया जाए कि क्या अब तक जो आपने पढ़ा है उसमें से फंसा हुआ है कि नहीं, उसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं कि नहीं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों क्वेश्चन आएंगे, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए और बेहतरीन तरीके से क्लास करिए और अपने साथियों को बुलाइए जो साथी इस फिराक में बैठे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा। तो एग्ज़ाम तो होने वाले होते हैं और बस आप लोग थोड़ा सा अपनी संख्या बढ़ा लें, और बहुत सारे बच्चे हैं डेली आते हैं, अगर आप लोग भी डेली आएँ, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो नोटिफिकेशन का बेल आइकन ऑन कर लें भैया, जिससे कि उनके पास नोटिफिकेशन खुद ब खुद चला जाएगा, उनको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर शेयर कर दीजिए लिंक। तो ऐसी कोई उम्मीद या फिर ऐसा कोई नौबत नहीं आएगा, आप आराम से नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। 11 बजे सुबह रोज क्लास होता है मैथ का, शाम को 9 बजे हिंदी का होता है, 3 बजे CDP और EBS का क्लास होता है। तो सर कल हमने जो आपका CTET का नोटिफिकेशन आया था उसके बारे में हमने कल चर्चा किया था, आज हो सकता है 11 बज रहा है ना, इसके बाद 1 या 2 बजे करीब आपका आ जाएगा सेशन जो आपके CTET के सिलेबस हैं, जो कि 2 साल बाद हमेशा चेंज होता है, तो उस पर चर्चा करेंगे। हम चलते हैं इधर आज पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन बेहद आसान है दोस्तों, आप लोग इसका आंसर करेंगे 9 सेंटीमीटर, सॉल्व करिए फटाफट। 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, क्या होगा एरिया, यह बताना है आपको एरिया क्या होगा। वेरी सिंपल है दोस्तों, आपको एरिया बताना है, आपको पता है ये किस प्रकार का त्रिभुज है बताइए, पहले तो ये बता दीजिए किस प्रकार का त्रिभुज है। ऑप्शन भी लेना चाहते हैं तो ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन नंबर ए 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी 30√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए 60√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों इस प्रकार का आपका ऑप्शन है। देखिए पहले यह हमको जज करना है कि हमारा किस प्रकार का ट्रायंगल है, तो जाहिर सी बात है हमारा स्कैलन ट्रायंगल है यानी कि विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज के लिए सबसे पहले हमको अर्ध परिमाप निकालना होता है, अर्ध परिमाप के बाद हमें फिर एरिया निकालना होता है डेल्टा के रूप में, जैसा कि पता है 9, 10, 11। अब हमको फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में फिगर बनाने में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आप लोग, ठीक है ना। 9, 10, 11 है दोस्तों। अब इसमें आपको अर्ध परिमाप निकालना, परिमाप का मतलब सबको जोड़ दीजिए, अब उसी का आधा कर दीजिए अर्ध परिमाप हो जाता है, तो अर्ध परिमाप ही हमको इसमें यूज करना है। तो यस बराबर 9 + 10 + 11 / 2, तो 10, 11, 9, 20, 10, 30, 30/2 यानी कि 15 आ गया। अब इसके बाद अगर हम एरिया निकालें तो एरिया के लिए हीरोज फार्मूला लगाते हैं, S, S-A, S-B, S-C। ये तो सिर्फ आपके लिए हमने बताया, मतलब यहाँ पे लिखना पड़ रहा है, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, डायरेक्ट माइनस करना है। यस की वैल्यू क्या है 15 है तो 15 रख दीजिए। अब एस माइनस ए यानी एस की वैल्यू आपका 15 है, 15 - 9 को अगर ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, तो 15 - 9 का मतलब 6 × 6 होगा, और 15 - b यानी कि 10 तो 5 होगा, और 15 - 11 तो दोस्तों क्या हो जाएगा 4 होगा। यही करना है और इसके लिए कोई शॉर्ट फार्मूला नहीं है क्योंकि मेंसुरेशन में कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनको आपको लगाना ही पड़ेगा फार्मूला बेस पर, इसका कोई शॉर्ट रूल नहीं है कि आप फटाफट आंसर बता दें, आपको लगाना ही पड़ेगा। अब देखिए इसमें हम लोग ब्रेक करते हैं, जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 5 × 3 बन रहा है, और यहाँ पर देख रहे हैं क्या बन रहा है 3 × 2 बन रहा है, और यहाँ पर एक 5 है और यहाँ पर क्या है 2 × 2 है, तो आप लोग देख पा रहे हैं एक 5 तो बाहर आएगा, एक 5 बाहर आ गया, और यहाँ पे 3 का भी जोड़ा बन गया, एक 3 बाहर आ गया और एक 2 बाहर आ गया, किसका जोड़ा नहीं बना इस 2 का, तो रूट में 2 बच जाएगा। तो देखिए 5 × 3 = 15 × 2 = 30 यानी कि 30√2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों इस प्रश्न का, 30√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, फटाफट नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं।
गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है दोस्तों। चलिए बेहतरीन प्रश्न है, नेक्स्ट आप लोग देखेंगे अगला प्रश्न। बस संख्या देखकर थोड़ा सा मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी लगे हैं, बच्चे हैं जो रेगुलर देख रहे हैं, कम से कम उनके लिए तो लगना पड़ेगा दोस्तों। चलिए पहला मतलब कि नेक्स्ट प्रश्न, किसी लिख लीजिए प्रश्न, किसी घोड़े को रस्सी की सहायता से खंभे से बांधा गया। भाई यहाँ पे घोड़ा बांधा गया है, देख लीजिए। तो किसका समय कब बदल जाए नहीं जानता है कोई, घोड़ा भी बच सकता है भाई, ठीक है। घोड़ा को बांधा गया, यदि 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 घोड़े गर्मी में दिमाग नहीं काम कर रहा, यदि घोड़ा घास को चरते हुए 88 मीटर चाप के बराबर चलता है तथा केंद्र पर 72 डिग्री का कोण, यदि के 72 डिग्री है, 720 नहीं समझेंगे, 72 डिग्री का कोण बनाता है, कोण अंतरित करता है भी बनाता है तो रस्सी की लंबाई बताइए। भैया बेहतरीन प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न केवल उलझाने के लिए इतना बड़ा दे देता है, इसमें कुछ होता नहीं है, दम वगैरह कुछ नहीं है, बस उलझाने के लिए। आपको रस्सी की लंबाई यानी कि आर की वैल्यू पूछा है, साफ साफ ही आप जान लीजिए। इसमें ऑप्शन ले लीजिए आप लोग, ऑप्शन क्या दिया है, 700 मीटर और दे देते हैं 75, यहाँ पर 70 कर लीजिए, 70 ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए, 75 मीटर ऑप्शन नंबर सी ले लेंगे, 80 मीटर ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे दोस्तों, 65 मीटर। चलिए बताइए फटाफट छात्रों, देखिए शिक्षकों आपके लिए सारी चीज़ें कर किया जा रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा एफर्ट भी लगाया करिए खुद से, है ना। चलिए फटाफट सॉल्व करिए, बाद में जो लाइक डिसलाइक शेयर करना हो बाद में करिएगा, पहले सॉल्व तो कर लीजिए, जो लाइफ है आपकी पहले उसको बना लीजिए। बताइए फटाफट बताइए, देखिए बेहतरीन प्रश्न है, हमने हम बोल दिए कि भैया एक इस तरह से कोई चाप बना हुआ है, एक आर्क इस तरह से बना हुआ है, हम क्या किए यहाँ पे फूटा गाड़ दिए, घोड़े को यहाँ पे बांध दिए। अब घोड़ा की जो रस्सी है दोस्तों, यही रस्सी है, ये घोड़ा यहाँ तक यह फैला हुआ है, अब घोड़ा इसके आगे नहीं जा सकता है, केवल इतना ही टहल सकता है, क्योंकि 72 डिग्री ही वह जा आ सकता है, मतलब इतने दूर ही वह टहल सकता है। अब इतने दूर की जो ये डिस्टेंस है ना, यह चाप वाला, यह दिया है 88, यानी कि जो आर्क की वैल्यू है ना, यह 88 दिया है, और हमसे यह आर्क की वैल्यू पूछ रहा है, आर्क मतलब चाप, चाप की वैल्यू हमको 88 दिया है, और यह दूरी पूछ रहा है हमसे, बताइए क्या होगा। वही तो रेडियस है, अगर इसको पूरा ऐसे घुमा दें तो यह एक सर्कल बन जाएगा, और सर्कल के सेंटर पॉइंट से कहीं भी कोई भी लाइन खींच दें सर्कमफ्रेंस पे, तो हमारा रेडियस होता है ना। तो बस यही चीज़ है, अब हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में, आप याद करिए दोस्तों कि किसी भी सर्कल में चाप की वैल्यू क्या होती है, चाप कैसे निकालते हैं, चाप और हमने परिमाप दोनों में अंतर बताया था, जो बच्चा नहीं देखा है बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाला वीडियो वो देख ले, इसीलिए बोलते हैं कि रेगुलर फॉलो करिए। अब देखिए चाप का हमने बताया था 2πr, ये तो पूरा का पूरा हो जाता है हमारा परिमाप। अगर हमको चाप निकालना है पहले 72 डिग्री, पहले ये तो 360 डिग्री के बराबर है ना, ये 360 डिग्री के बराबर है, लेकिन जब 72 डिग्री मतलब एक डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2πr/360, तो 72 डिग्री का क्या होगा, 72 डिग्री का कितना हो जाएगा, 2πr/360×72, यही बस यही हो गया हमारा आर्क। अब इसी आर्क की वैल्यू दिया है, लेकिन अगर यही चीज़ आर्क न देकर, यहाँ पे चाप न देकर दोस्तों, अगर आपको परिमाप दे दिया होता ना,
तो मामला कुछ अलग हो जाता गुणा गणित। तब इसमें हम पता है क्या ऐड कर देते, यह वाला आर यह वाला आर, क्योंकि परिमाप का मतलब यही होता है चारों तरफ का एडिशन। कोई भी माप हो, कोई भी आकृति, उसके चारों तरफ का एडिशन ही परिमाप होता है। लेकिन यहाँ पे चाप की वैल्यू दिया गया है तो सिर्फ इतने की वैल्यू दिया है, तो हम लोग इतने का फार्मूला बना लिए, हमको पता है 2πr, यह हो गया। अब इसी की वैल्यू दिया है 88, यानी कि 2πr बटे 360 गुणे 72 बराबर 88 दिया है। अब यहाँ से रस्सी की वैल्यू निकल जाएगी, रस्सी ही तो आर है हमारा। एक बार देख लीजिए आप लोग फटाफट, थोड़ा सा चलिए करिए सॉल्व तो इसे फटाफट। देख रहे हैं 36 एकम 36 गुना 72, 2 पचे 10, 5 आ गया यहाँ पर। 2πr बटे 5, यानी कि 2πr अपान में 5 इक्वल टू 88। अब आपको पता है दोस्तों पाई की वैल्यू क्या होती है, 2 इंटू 22 अपान में 7 इंटू आर। अब नीचे 5 है ही, एक 5 तो है नीचे ना, तो 5 लिख लीजिए। अब इस 88 को आप काटेंगे चार बार में, कटा 22 से चार बार में, 2 एकम 2 दूनी 4। अब ये 5 और 7 नीचे बचा है, 7 पचे 35 दूना 70, तो आर की वैल्यू 70 आ गया मित्रों। 70 राइट दिया है कहीं, तो यह होगा 70 आपका मीटर, ठीक है ना, यही आर की वैल्यू आ गई। अगर इसी जगह पेरीमीटर दिया होता ना तो यह थोड़ा सा मामला चेंज हो जाता, ये चाप है केवल, यह पूरा चाप है। अगर 72 मतलब इसके जगह अगर परिमाप दिया होता ना, यह पूरा परिमाप की वैल्यू है, मतलब घास जो चर रहा है यहाँ से चरना स्टार्ट कर रहा है या पूरा ऐसे चर रहा है, तब वहाँ पे हम परिमाप की वैल्यू निकालते हैं। परिमाप क्या हो जाता, सिर्फ उसमें 2r ऐड हो जाता, समझ रहे हैं, आर्क में 2 और r प्लस r ऐड कर देते, वो परिमाप हो जाता। यह छाप लीजिए, यह प्रश्न अच्छे प्रश्न होते हैं ऐसे, अब आपको इसी में क्या करेगा, चेंज करके दे देगा, कभी परिमाप पूछ लेगा, अब कभी डिग्री चेंज कर देगा, समझ रहे हैं, तो यही है, कभी घोड़े के जगह खच्चर दे देगा, गाय दे देगा भैया, है बहुत सारी चीज़ें दे सकता है। तो हमारे सारे प्रशिक्षुओं को कन्फ्यूज नहीं होना है, आराम से सारी चीज़ें हैंडल करते हुए चलना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी त्रिभुजाकार क्षेत्र की भुजाएँ लिखिएगा, किसी त्रिभुजाकार क्षेत्र की राइटिंग पे मत जाइए, सुनिए सिर्फ आप लोग, एक बार और पढ़ देंगे। किसी त्रिभुजाकार क्षेत्र की भुजाएं 15 मीटर, बेहतरीन प्रश्न है, 20 मीटर तथा 25 मीटर है, यह चीज़ें आपको दिया है। और यह भी बोला गया है जो आपका यह पूरा का पूरा त्रिभुजाकार भुजा है, त्रिभुजाकार क्षेत्र है, यह 5 रुपये पर मीटर स्क्वायर के भाव से क्षेत्र में बीज बोने का खर्च बताइए। भाई सभी लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, जाहिर सी बात है सबके लोग के पास कोई एरिया होगा, त्रिभुजाकार होगा, त्रिभुजाकार का मतलब यही होगा जो पट्टीदार होंगे साइड से, हो गया होगा कहीं ना कहीं से, गुत्था गुत्थी हो जाती है ना, तो यही है कि अगर साइड से कट गया तो आपकी जो खेत है भैया कैसा बन गया, त्रिभुजाकार बन गया। हो सकता है इधर से आपके बड़े पापा छोटे पापा मार लिए हों बाजी, या फिर कुछ होगा कोई परिमाप इस तरह बटा होगा, समझ सकते हैं। अब आपको बोला गया है कि इस तरह न देकर जो भी साइड है त्रिभुजाकार ही है, लेकिन हम आपको इस तरह बना देते हैं, क्यों इसका कारण भी बताते हैं। एक 15 दिया है, एक 20 दिया है, एक 25 दिया है, यह दिया हुआ है साइड। अब आप ट्रिपलेट जानते होंगे, हमने ट्रिपलेट का बहुत बार चर्चा किया है दोस्तों, है ना, जैसे 3, 4, 5 हो गया, है ना, 6, 8, 10 हो गया, 12, 13, 5 हो गया, समझ रहे हैं, ये सब ट्रिपलेट हैं, पाइथागोरस थ्योरम से निकलते हैं, तो इन सब के बारे में चर्चा हमने किया है, जो बच्चे पुराने हैं वो जानते होंगे। 5 × 3 इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 4 इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 5×6 25 5×4 20 5×3 15 जाहिर सी बात है ट्रिपलेट है। अगर 5 को हटा दें, सब में कॉमन है, इस वजह से 5 को हटा दें तो 4×3 5 4×3 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। जब भी ट्रिपलेट आता है तो हम इसे क्या कहते हैं, 90 डिग्री का एंगल, मतलब 90 डिग्री ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया भैया, देख रहे हैं ना, यह समकोण त्रिभुज बन गया। यही आपका कर्ण है, यह बेस ले लीजिए, यह आपका यह बेस ले मतलब आधार ले लीजिए, यह आपका लंब ले लीजिए,
बस अब इसका फार्मूला क्या होगा एरिया का? तो आप बोलेंगे सर 1/2 गुणे 15 मतलब कि लंबाई ऊंचाई और गुणे बेस मतलब आधार, यही होता है किसी त्रिभुज का एरिया, बेस गुणे लंबाई मतलब कि ऊंचाई कर लीजिए या फिर लंबाई कर लीजिए, बात तो सेम है। अब आपको क्या दिया गया है दोस्तों, यही जो एरिया है ना इसी का, अगर इसी क्षेत्र में आप कोई भी बीज बोते हैं तो 5 रुपए के भाव से आप बोते हैं 1 मीटर स्क्वायर में, तो ये तो इतना मीटर स्क्वायर आएगा, ये तो स्क्वायर में आएगा ना इतना मीटर स्क्वायर, तो अगर आपको इतने मीटर स्क्वायर में बीज बोना होगा तो 1 मीटर बराबर जब इतना है तो इतने पूरे मीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1/2 गुणे 15 गुणे 20 गुणे सर 5, 1 रुपये में 5 टॉफी, तो 10 रुपये में कितनी टॉफी? 10 × 50 टॉफी, यही तो बोलेंगे। तो सिंपल सा वह भी यही गुणा गणित है जो आपने टॉफी पे लगाया, सेम यहाँ पे है मीटर स्क्वायर, ये अब रुपये में आएगा क्यों हमने रुपये से गुणा कर दिया, समझ रहे हैं? अब देखिए इसको काट लीजिए, 10 बार में आ गया, 10 × 50 50 × 15 तो 15 × 75 तो 750 रुपये लगेगा आपको इतने मीटर, इतने मीटर के स्क्वायर में 5 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से बीज बोने में, टोटल इतने रुपये 750 रुपये लगने वाले हैं, बहुत कम है। तो क्षेत्र भी तो बहुत कम है, एरिया भी तो बहुत कम है, तो चलिए नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट किए होंगे तो वीडियो कहीं भागेगी नहीं, हमने इरेज किया इस वजह से कि आप एक बार इसे फिर देखें, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लिखिएगा, किसी 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज के आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, आंतरिक वृत्त यानी कि अंतःवृत्त यानी कि इन सेंटर की बात कर रहा भैया, इन सेंटर की त्रिज्या ज्ञात करें। अब देखिए यह भी बेहतरीन प्रश्न है, अगर आप लोगों ने पकड़ लिया तो बेहतरीन है, अन्यथा हार्ड है। देखिए ए की वैल्यू की अगर बात करें, दिया है आपको निकालना है 9 सेंटीमीटर, यह दिया हुआ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी दिया है आपको 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर डी दिया है 6 सेंटीमीटर। देखिए इसे हमने ना ही लगाया है अभी तक, हमने डायरेक्ट प्रश्न उठाया और लेकर चलाया दोस्तों, प्रश्न हमारे सामने है बोर्ड पर है और सामने बोर्ड है एक, तो वहाँ पर हमारे सामने प्रश्न है, ना ही इसे लगाया है, सिर्फ प्रश्न है स्क्रीन पर। अब हमने प्रश्न यहाँ पर छाप दिया है, अब इसको डायरेक्ट लगाना है, तो हमने प्रश्न देख कर ही बता दिया इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, बताइए 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा, हम प्रश्न देख कर ही बता दिए क्योंकि नॉर्मल सा प्रश्न है, समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं हमारा आंसर सही होता है गलत होता है। अभी हमने आपको बताया कि भैया त्रिपलेट याद करना बहुत ज़रूरी है, नहीं याद करना है तो निकालना आना चाहिए, और निकालना तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो अगर स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं तो हमने निकालना बताया हुआ है। अगर दोस्तों ये 9 है या आपका 12 है या 15 है, तो इसमें देखिए 3×3 हो रहा है, इसमें देखिए 3×4 हो रहा है और इसमें देखिए 3×5 हो रहा है, तो सब में तो 3 सेम है, 3 तो सब में सेम है, यहाँ पे देखिए 3, 4, 5 फिर से ट्रिपलेट मिल गया 3, 4, 5। अब इसमें आप चाहे 4 से सब में गुणा कर दीजिए वो भी ट्रिपलेट होगा, चाहे 5 से गुणा कर दीजिए सब में वो भी ट्रिपलेट होगा, चाहे 6 से गुणा कर दीजिए, चाहे जिस भी अंक से गुणा कर दीजिए इसमें वो सारे के सारे वैल्यू ट्रिपलेट होंगे। तो सबसे पहली बात है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी पकड़ पाएंगे। अब ये ट्रिपलेट है यानी कि 90 डिग्री ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, आपसे पूछा गया आंतरिक त्रिज्या ज्ञात करिए, तो हम मान लेते हैं कोई यहाँ पे वृत्त बना है भैया, आंतरिक से अंतत वृत्त है, एक बहिर्वृत्त बना देते हैं, दोनों आपको बता देते हैं, इस प्रकार से एक बहिर्वृत्त भी बना है, भैया वृत्त पे मत जाइए ये थोड़ा सा अलग स्टाइल का वृत्त है, दोनों की वैल्यू बतानी है, यानी कि जो अंतर्वृत्त होगा इसका कहीं रेडियस मान लेते हैं, मतलब सेंटर यहाँ पे होगा तो रेडियस इसका स्मॉल आर ले लेते हैं, और जो बड़ा वाला है उसका हमेशा का हमेशा जो आपका एक कर्ण है बेटा, यह कर्ण है ना, कर्ण ही इसका क्या होता है पता है, डायमीटर होता है, यानी कर्ण का आधा कर देते हैं तो कैपिटल आर निकल जाता है, केवल समकोण त्रिभुज में, सारे त्रिभुज की बात हमने बताई है आप लोग पिछला वीडियो देखिए, अगर कैपिटल आर की अगर पूछा होता वैल्यू तो हम लिख देते 15/2 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर, यह तो बेहद आसान था, आराम से निकल जाता क्योंकि यही होता है कैपिटल आर, कर्ण 2 समकोण में। परिवृत्त के लिए, अंतर्वृत्त के लिए हमने फार्मूला बताया था दोस्तों, स्मॉल आर इक्वल टू यानी कि यह अगर लंब है आपका तो एल प्लस, अगर यह बेस है तो प्लस, अगर ये आपका
हाइपोटेनियस है तो एच माइनस एच बटे के दो करते हैं। तो लंब क्या है आपका, 9 है प्लस 12 है बेस, तो 9 प्लस 12 प्लस 12 माइनस 15, तो 12 9 कितना होगा 21 होगा, 21 माइनस 15 बटे 2 यानी कि कितना हुआ 6 बटे 2 यानी कि 3 आ गया, 3 सेंटीमीटर कहाँ दिया है सी, यही राइट आंसर होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे चलते हैं, लीजिए फटाफट। चलिए भाई साहब लीजिए, गर्मी बहुत है। प्रश्न में कुछ नहीं है, सारे हलवा हैं, कल वाला कल के बाद हो सकता है। देखिए आप लोग जैसा अपना, अगर ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं कल तो परसों हम ले लेंगे सारा का सारा जितना भी यूपी टेट में पूछा गया है ना 2017 में, तो वो सारा प्रश्न ले लेंगे हम 2017-18 का सारा ले लेंगे, जो आपको बेहतरीन तरीके से दोस्तों आप कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन होता है लेकिन सब कौड़ी कौड़ी होते हैं, मतलब कि आपके लिए भी होंगे, घबराइए नहीं, सारी चीज़ें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप करेंगे। सिर्फ रेगुलरिटी, जो चीज़ें जरूरत होती है रेगुलरिटी की, वो बनाए रखिए, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेंटीमीटर, वहाँ 32 है बेटा, 32 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हैं, कोई आपका समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज क्या होता है हम बता रहे हैं, पहले इसको लिख लीजिए। समचतुर्भुज के विकर्ण 32 और 24 दिया हुआ है, तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, परिमाप पूछ रहा है यानी कि उसका पेरीमीटर पूछ रहा है। तो किसी भी आकृति का पेरीमीटर मतलब उसके चारों तरफ के डिस्टेंस को जोड़ दीजिए। ऑप्शन नंबर ए ले लेंगे, 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी ले लेंगे, एक कीड़ा घुस गया हमारे स्टूडियो में भैया, इसको निकालिए भाई साहब। ऑप्शन नंबर बी है 72 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी है भैया ले लेंगे 68 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका 64 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है। देखिए सबसे पहली बात है, आपको समचतुर्भुज क्या होता है यह समझ में आना चाहिए, है ना, तो उसको समझाते हैं पहले, तो फिर आगे चलते हैं। भाई कीड़े को थोड़ा बाहर निकालिए, या देखिए यहाँ पे आ गया सामने, पकड़ लीजिए। अरे भाई साहब, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसको उड़ने दीजिए, अपना काम इसको करने दीजिए, हम लोग अपना काम करते हैं। अब देखिए समचतुर्भुज क्या होता है, सभी लोग को पता है, ये बैठ गया, चलिए इसको हमने दबा दिया। अब देखिए यहाँ पे समचतुर्भुज के विकर्ण, मतलब वो अपना आराम कर रहा है भाई साहब सबकी, देख यहाँ पे अगर डिस्टर्बेंस करता तो मुझे दिक्कत हो जाती थोड़ा सा, तो इसको हम आरामदायक मोड में डाल दिए हैं, अब आप लोग के लिए आराम हो जाएगा। चलिए देखिए समचतुर्भुज के विकर्ण की बात कर लेते, मतलब सब पहले समचतुर्भुज क्या होता है। देखिए आपने वर्ग तो पढ़ा है दोस्तों ना, सेम वही चीज़ होता है, लेकिन इसमें एक खासियत है, ध्यान से देखिएगा, जो आपने वर्ग पढ़ा है उसकी सारे साइडों के बीच में जो संलग्न भुजा होती है, संलग्न भुजा मतलब समझ रहे हैं इस तरह से, यह संलग्न भुजा, यह एक दूसरे पे है, यह 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसमें भी भुजाएं सारी की सारी सेम होती हैं, और इसमें भी सारी भुजाएं सेम होंगी, इसमें भी सारी भुजाएं सेम होती हैं, ठीक है ना। संलग्न भुजा का मतलब यही, दो भुजाएं आपस में टक्कर जहां पे खाती है, जहां पे शीर्ष बनाती हैं, यह वाला, ठीक है, जहां पे आप ना पिक बनाती हैं, चोटी जहां बनाती हैं, यह दोनों 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी और इधर भी, लेकिन इसमें यह 90 डिग्री नहीं होता है, यह याद रखेंगे, भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, बल्कि यह भुजा जो है इस भुजा के एंगल के बराबर होगा, मतलब यह एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और यह वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर होता है, यह याद रखेंगे, आमने सामने की एंगल बराबर होता है, और चारों की चारों भुजाएं इसमें भी बराबर होती हैं, इसमें भी बराबर होती हैं, वर्ग में भी, एक वर्ग का ही रूप होता है, वर्ग को ऐसे घुमा दीजिए, है ना, वर्ग अगर इसको घुमाएंगे तब भी ये 90 डिग्री ही बनाएगा, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं बनाएगा भैया, याद रखेंगे, है ना। हम इस पर एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, उसको बताएंगे हम। अब इसमें जो डायमीटर होता है वो क्या 90 डिग्री पे काटता है, जी यह भी 90 डिग्री पे काटता है, हमने बताया था आपको वर्ग और आयत में डिफरेंस,
वर्ग और आयत में एक और डिफरेंस होता है दोस्तों, जो आयत का डायमीटर होता है ना, जिसकी दो भुजाएं आमने सामने की बराबर होती हैं, आयत में जो डायमीटर होता है वो 90 डिग्री पे नहीं काटता है, लेकिन वर्ग में काटता है। सेम इसमें भी ये 90 डिग्री पे कैंसिल होगा, इसमें भी 90 डिग्री पे कैंसिल होगा, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है हमने आपको बता दिया। इसके चारों भुजा के जो संलग्न भुजा हैं वो 90 डिग्री पे मिलेंगे, इसमें 90 डिग्री पे नहीं मिलेगा, यही हल्का सा डिफरेंस है। अब चलिए, ये तो समझ में आ गया आपको। अब आपको पता है परिमाप किसी भी आकृति का क्या होता है, चारों तरफ का जोड़। सर इसमें परिमाप ही पूछा है, लेकिन इसमें को कैसे निकाले परिमाप, इसमें डायमीटर दिया है, डायमीटर D1 है या अब यह D2 है, ले लेते हैं। अब चार बातें आपको याद रखनी है। पहली बात, अगर आपको साइड निकालना है, साइड इक्वल टू याद रखेंगे 1/2 रूट में D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ये सर कहाँ से आता है, पाइथागोरस थ्योरम से आता है। जब यह 90 डिग्री है, यह 90 डिग्री है तो किसी एक भाग को पकड़ेंगे, जब किसी एक भाग को पकड़ेंगे तो जब यह पूरा का पूरा D1 है, इसको हम कॉन्सेप्ट है दोस्तों, हम समझाएंगे, यहाँ पे प्रश्न करवाना है हमें, बस सुन लीजिए। यह पूरा D1 है और यह पूरा D2 है, तो जब यह हाफ में काट रहा है तो यह पूरा D2/2 और यह D2/2, इसमें चार त्रिभुज बनेंगे और चारों के चारों 90 डिग्री के बनेंगे। तो जो ये है दोस्तों ना, यही तो आपका हाइपोटेनियस होगा, कर्ण होगा, और यह वाला D1/2 और यह वाला D2/2, बस उसी से निकला है यह फार्मूला, ठीक है। अब दोनों तरफ का आप स्क्वायर कर दीजिए, कर देंगे तो a का स्क्वायर या 2 इधर आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो 4a² = D1² + D2² ये अभी याद कर लेंगे। जब आपको a निकालना होगा तो सिंपल सा इस फार्मूला में रखेंगे, a निकल जाएगा। एक तो इस तरीके से डायरेक्ट परिमाप निकल सकता है, देखिए D1 की वैल्यू 32, D2 की वैल्यू 24 रख देंगे तो a की वैल्यू निकलेगा। जब a की वैल्यू निकल जाएगा ना, तो फिर आपको क्या करना होगा, 1, 2, 3, 4 सिंपल सा परिमाप पता है क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर 4a होगा। समझ रहे हैं कि नहीं, यह फार्मूला भी नोट कर लेंगे। लेकिन एक बेहतरीन फार्मूला होता है दोस्तों एरिया का, इसके एरिया कैसे निकालते हैं समचतुर्भुज में, D1 × D2/2। यह चीज़ याद रख लेंगे, D1 × D2/2 होता है किसी भी समचतुर्भुज का एरिया, सिंपल सा है, इसको नोट कर लेंगे। यह चीज़ें अगर नोट कर लिए चारों आप, एक बार फिर से सुन लीजिए, कोई भी समचतुर्भुज होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, दोनों डायमीटर होते हैं जो उसके 90 डिग्री पे काटते हैं अपने में, और किसी भी साइड को निकालने के लिए, मतलब साइड तो सारे सेम होते हैं समचतुर्भुज में, साइड निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इसमें चार त्रिभुज बनेगा, चारों त्रिभुज 90 डिग्री के होंगे, 90 डिग्री बनेंगे, तो यह वाला साइड एक आधा होगा D1/2 या D2/2 या आपका हाइपोटेनियस कर्ण ए, तो बस ए की वैल्यू निकल जाएगा, भुजा निकाल लेंगे तो ये वाला फार्मूला भी सेम है दोनों। इसके बाद परिमाप की 4a एरिया D1 × D2/2 यहाँ से निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं एक कॉन्सेप्ट की तरफ, बिना फार्मूले के आप यूज करेंगे, बिना ये सब फार्मूला नहीं लगाना है, आराम से आप तुरंत देखिए कैसे फाइंड करेंगे परिमाप। अगर हम बोलें D1 D2 और 2a, यही तो संबंध है, यही तो संबंध है D1 D2 और 2a में, क्योंकि D1/2 D2/2 और a है तो 2 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, यही तो संबंध है। तो याद रखेंगे किसी भी समचतुर्भुज में जो दोनों डायगोनल का और भुजा में संबंध होता है वह 1:1:2 का रेशियो होता है, कितने का, 1:1:2 रेशियो में होता है, ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों, D1 D2 2a यही होता है रेशियो। अब आपको हमने ट्रिपलेट बताया था, क्या क्या ट्रिपलेट बताया है दोस्तों, एक तो हमने बताया है 3, 4, 5, अब ये 4, 3 आपन में चेंज, अपने में चेंज हो सकते हैं, इधर भी आ सकता है 4 और 3 इधर भी आ सकता है, ये चीज़ याद रखेंगे। 5, 5 तो अपना जगह फिक्स किया रहेगा। इसके बाद हमने बताया 8 भी होगा, 3 × 2 = 6 होगा और 5 × 2 = 10 होगा, समझ रहे, ये भी है, 8 × 2 = 16 है, 6 × 2 = 12 भी है और 10 × 2 = 20 भी, ये भी ट्रिपलेट है। और क्या ट्रिपलेट हो सकता है सर, 4 × 3 = 4, 3 = 12, 3 × 3 = 9 और 5 × 5 = 25, ये भी ट्रिपलेट होगा दोस्तों। इसके बाद और क्या हो सकता है सर, 8, 15, 17 भी हो सकता है, 8, 15, 17 भी ट्रिपलेट है। इसके बाद और क्या हो सकता है, 7, 24, 25 भी हो सकता है, 7, 24 और 25 भी हो सकता है, ये सारे के सारे ट्रिपलेट हैं, इसको छाप लीजिए आप कहीं ना कहीं। अब देखिए हमसे क्या पूछा है दोस्तों, समचतुर्भुज का परिमाप पूछा है ना, तो सिंपल सा आपको पता है कि रेशियो क्या होता है, यह वाला D1 रेशियो D2 रेशियो 2a। देखिए भाई हमने आपको फार्मूला भी बताया है, जिसको लॉन्ग प्रोसेस पे जाना है वो डायरेक्ट फार्मूला यूज करेगा,
फोर ए स्क्वायर इक्वल टू डी वन स्क्वायर प्लस डी टू का स्क्वायर, वहाँ से ए की वैल्यू निकालेगा, ए के निकल जाएगा उसमें चार का गुणा कर लेगा, आ जाएगा परिमाप। लेकिन यहाँ पे आपको लॉन्ग प्रोसेस नहीं जाना है, समझ रहे हैं, क्योंकि आप किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बैठ रहे हैं, कम समय पाने के लिए, मतलब कम समय आपको मिलेगा वहाँ पे, यह एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें कम से कम समय लगाना होता है। अब देखिए डी वन डी टू की वैल्यू हमको दिया है क्या, 32 और 24, और यहाँ पे 2 एम साथ लेके चलते हैं, सिंपल सा है। अब देखिए 32 और 24 किससे कट रहे हैं, सेम नंबर से कटना चाहिए क्योंकि रेशियो है, कट सकते हैं। तो 8 चौके 32 होता है और 8 थ्री 24 होता है, और यहाँ पे 2a है। अभी हमने बताया था 4 3 के साथ कौन सा ट्रिपलेट आता है हाइपोटेन्यूस में, 5 आता है। अब हमने 8 से जब काटा है तो 8 से गुणा करेंगे, 8 पचे 40, 8 पचे 40, यहाँ भी 8 से डिवाइड होगा ना, देखिए 2a बटे 8, क्योंकि सब में 8 से कटा है तो इसमें भी 8 से कटेगा, तो 8 पचे 40, यानी कि 2a की जो वैल्यू है दोस्तों वो 40 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ गया, तो 4a परिमाप होता है, 4a की वैल्यू 80 आ गया, यही आपका राइट आंसर होगा। सिंपल सा ये प्रोसेस याद रखना है, आराम से कैलकुलेशन हो जाएगा, कम समय में दूसरे से आगे हो जाएंगे दोस्तों, और एक ही बार में अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। 30 में 30 हमारा नारा है, तो कोई झूठा नहीं है, यह रियल है, आप लोग डेली सेशन फॉलो करिए, ज़रूर 30 में 30 में आएगा। बस आप लोग एक बात माना करिए सर की भी, और सर की क्या, और सर की मेहनत की, अगर मेहनत आपको अच्छा लगता है तो मानेंगे बात, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे बच्चों को, और अपने साथियों को भी जोड़ेंगे जो कॉलेज के आपके कलीग हैं, उनको भी बताएंगे दोस्तों, है ना। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं 2 बजे, फिर इसके बाद मैम की क्लास 3 बजे आती है, CDP या फिर EBS की लगेगी, जो भी आज हो, रेंडमली लगता है। इसके बाद दोस्तों 2 बजे आपको CDP जो आपका CTET है उसका सिलेबस बताने वाले हैं, 2 से 2 बजे या फिर 1 बजे सेशन देख लीजिएगा, जाएगा नोटिफिकेशन, और एक फिर 9 बजे आपका सेशन आता है हिंदी का, वो आएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।